बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो जी हसन भाई मेरे साथ हैं। अभी मैं वीडियो अपलोड करने के लिए जा रहा था तो हसन भाई कहते हैं कि नहीं पहले आप आएँ, हार्वेस्टर से हमारी जो फसल है वो कटाई होने लगी अभी। तो मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, वीडियो कल भी अपलोड हो जाएगी, इसलिए आज कोई नहीं सर, जान भी हाजिर है। हसन भाई ओवर हो गया मेरे ख्याल में। हसन भाई से नाराज थे कुछ लोग, पूछ रहे थे कि आपसे हुई है अभी मुलाकात कि नहीं। अभी हसन भाई मेरे पास ही है, पूछ लेते हैं इनसे। हाँ जी हसन भाई बताएं आप। क्या बताऊं मैं, आपसे नाराज हुआ ही नहीं मैं यार, बस वो बस थोड़ी देर के लिए गुस्सा आ गया था मुझे। हाँ अभी गुस्सा उतर गया, वरना उस दिन तो मार ही देते हसन भाई। चले नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, इसके लिए आपसे दिली प्यार है यार। ताबेदार जैन भाई ने हमारी एक बंदा मिस है, वो जैन लाबेदीन, वो जैन भाई ने हमारी सुलह करवाई है कि हम टूर पे जा रहे हैं तो बाद में क्या करोगे इसलिए उसने और उसकी भी ना भी नहीं कर सकता मैं खासकर, क्योंकि इतना अच्छा दोस्त फ्रेंड जो समझ ले भाई समझ ले। जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी हार्वेस्टर लगा उधर पास चलते हैं। अभी वो हार्वेस्टर लगा और कुछ देर में हसन भाई की भी जो फसल है वो काटी जाएगी। चले देखें चारा लेके जा रहे हैं जानवरों के लिए, हरी पराली है इसलिए लेके जा रहे हैं। आइए भाई शान भी आया था, आइए। हाँ जी भाई शान क्या हाल है, ठीक ठाक अल्लाह का बड़ा ही करा। लैन भाई देखो फायदे, एक लोग का चावल एक चारा भी लोग ले जाते, बेहतरीन हो रहा काम। वाह बेहतरीन हो गया काम, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो चलो चाबी लाई कर के मोटरसाइकिल। शाम भी तकरीबन होने लगी है, सूरज ग्रूब हो चुका है, तो खैर रात को ज़रा लेट हो जाएंगे हम, कोई नहीं साथ साथ ही हैं आपको दिखाएंगे। हसन भाई खुश हो कि नहीं, क्या करना बहुत खुश, नहीं तो खुद ही काटना पड़ती। नहीं यार किसी ने लगाई थी। हाँ किसी ने लगाई थी, फिर ठीक है अभी इसमें काटने से कारगर दिया। सही है, तो चाहिए थे हार्ड वेयर चाहिए। अभी ये देखे धूल मट्टी कितनी है, कैमरे के आगे से कितना गुजर रही है। छत के ऊपर
ये जो लकड़ियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं, तो अभी इनको एक साइड पे इकट्ठा कर देते हैं और जब सूख जाएंगी फिर हम अपने चूल्हे में जलाएंगे। क्योंकि ये इसलिए इधर इतनी ज़्यादा हुई हैं, पहले भी मैंने सफाई की है, मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है, लेकिन बकरी को हम अपनी रोज़ जो बकरी है अपनी बकरी को हम रोज़ाना पत्थर वगैरह डालते हैं और जब वो खा लेती है तो ये इस तरह की जो लकड़ियाँ ये बच जाती हैं और वो हम ऊपर छत के ऊपर फेंक देते हैं और इधर सुखाने के लिए फेंक देते हैं। तो खैर अभी सफाई कर देते हैं, इनकी एक साइड पे लगा देते हैं। अभी छत की सफाई कर दी एक साइड पे, लकड़ियाँ वगैरह लगा दी हैं, अभी साथ साथ सूखती जाएंगी ये, तो हम उतार के इनको जलाते जाएंगे चूल्हे के अंदर और ये हमारा छत भी मुकम्मल हो गया। अभी इसके ऊपर हमने शापर डालना, लेकिन अभी शापर नहीं लेके आए अबू जान, फिर शापर लेके आएंगे, इसके ऊपर डाल देंगे और फिर इसके ऊपर पत्थर वगैरह रख देंगे ताकि पानी जो है वो नीचे ना जाए। अभी पानी लगा दिया खेत में हमने, अबू जान ने सुबह से ही जो पीटर है वो चला दिया था। अभी अबू जान भैंस को कहीं लेके जाएंगे तो मैं अभी इधर ही काम लगाऊं, इधर ही खड़ा हूं। अभी पानी मेरे ख्याल में बहुत तेज़ी से हो रहा है, इंशाल्लाह घंटा डेढ़ एक घंटे में तकरीबन मुकम्मल हो जाएगा और इधर हम चारा उगाएंगे। वो सामने ताया जान और मौज़म भाई फसल की कटाई कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने खैर की तो इंशाल्लाह सुबह हम भी धान की फसल काटने के लिए खेत में लग जाएंगे। इंशाल्लाह व्लॉग मेरा चलेगा कल भी, इंशाल्लाह फसल के दौरान भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि फसल कैसे काटते हैं हम। खैर अभी पानी लगाया, पानी हो जाए तो फिर बाद में बाकी सिस्टम होगा। अभी कल शाम को जो हार्वेस्टर था वो ख़राब हो गया, हसन की जो मूंजी थी वो काट रहा था तो उसमें ही वो ख़राब हो गया, तो वो रात को वो बंद करके तो चले गए। वो अभी सुबह ठीक करके तो उन्होंने काट दी थी फसल, तो इधर ही उन्होंने हसन भाई ने टाट रख दिया था और इधर ही जो मूंजी थी कर ली थी सिस्टम। अभी थैलों में भर दी है, तो ट्रैली हसन भाई ने ट्रैली वाले को कहा तो वो आ ही गया, वो अभी रखे जंगल के करीब है। हाँ जी हसन साहब खुश होना आज? हाँ जी सर, राती हुकूमत लग गई है, नैश लग गई समझ। चलो कोई नहीं, आज काम हो गया इंशाल्लाह। हाँ सिर्फ ट्राली वाले जो है लेट हो गए। सामने ट्राली ट्रैक्टर वाला आ गया, आंदे आंदे ठीक है, बेच रहा के ला दे। ठीक है आंदे आंदे बस ठीक है ठीक है बस। थक गया मैं, आया नहीं नहीं जान दो। अभी हसन भाई के दाने जो है वो लोड कर ली हैं, अभी घर को चलते हैं। अभी ये देखें सामने जो है गीदड़, ये देखें जंगल में, अभी रात का टाइम तकरीबन अंधेरा होने वाला है, पहले पहले गीदड़ जो है वहाँ जंगल के बाहर निकला और फिर ये फसल की तबाही मचाते हैं। क्यों हसन भाई? तो हसन भाई की मूंजी घर में आ गई हैं, हसन भाई अकेले ही थे घर में, तो मेरे पास आए कि सुलेन भाई जो फसल लेके आनी है चावल की फसल, तो मैंने कहा कोई मसला नहीं हसन भाई, कोई मसला नहीं, जान भी आज़र आपके लिए। तो खैर घर आके नहाए और कपड़े चेंज किए, तो अभी
रात के 9 बज रहे हैं, भी सोना भी है, सुबह उठ के नमाज भी पढ़नी है। तो खैर आज का व्लॉग यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिल सके। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आईडी कहीं आ रही होगी, जल्दी से जाके मुझे फॉलो करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।